सत श्री अकाल दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, गिटार फेजर साउंड है जिसको मैंने मॉडिफाई किया है। गिटार फेजर में इसने इसका अपना नाम दिया है, लेकिन ये जो साउंड है ये प्रीसेट साउंड और एक्सपेंशन साउंड को मिलाकर ही बनाया गया है। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके रूबरू एक वीडियो कर रहा हूँ। कोशिश यही थी कि एक नया इंस्ट्रूमेंट लेके आऊँ। आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत अजीज दोस्त कृष्णा गुप्ता जी, जतिन सुतर जी फेसबुक और यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो मैं खुश हूँ कि हमारे कीबोर्ड में जो फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाए जा रहे हैं। आई थिंक ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, बहुत डिटेल में ब्रीफ में जाके टोन्स मॉडिफिकेशन के बारे में समझाया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। मेरे से सीनियर्स जो इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं काफ़ी गुणीजन लोग हैं, तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि ये अच्छा काम आप जारी रखिए, मेरे और दोस्तों को भी इससे हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं जी इस वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, अपने मेन्यू में जाके एडिट में जाना है और परफॉर्म एडिट में जाना है। अभी आप देख रहे हो जी पार्ट वन में मैंने स्ट्रट गिटार वन रखा हुआ है। ये प्रीसेट पे टोन है 200256 इसका टोन नंबर है। इसको फ्रेंड्स मैंने यूजर में सेव नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं पैच एडिट में जाके कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ तभी इसको जरूरत पड़ती है यूजर टोन में सेव करने की, अदरवाइज वो पैच का एरर आता है जब आप परफॉर्म एडिट सेव करते हो डिस्कार्ड वाला। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर प्रीसेट टोन 256 है। तो पार्ट टू में एक्सपेंशन साउंड लिया गया है जी 0039। ये इलेक्ट्रो एसी गिटार है कुछ ईजीटी। तो पैच थ्री में भी 52 ब्लू ब्रॉन्च, ये भी कुछ गिटार टाइप साउंड ही है जी, तो इसको लिया गया है। ये तीन साउंड को मिला के एक गिटार साउंड को असेंबल करने की कोशिश की गई है। फ्रेंड्स आप जैसे देखते हो स्टेज के ऊपर गिटार में मिक्सर लगा के काफ़ी अच्छी साउंड डेवलप की जाती हैं, तो ये उसी टाइप का कुछ साउंड है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी बजने वाला है, थोड़ा सा बैंजो टाइप इंस्ट्रूमेंट है। बैंजो टाइप साउंड तो नहीं है इसका, लेकिन जो इसको बजाने का स्टाइल है फिंगर्स का वो थोड़ा सा उसी टाइप का रहेगा। आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं है इसका। लेवल जो रखा है 115 रखा है, पार्ट टू का 120, पार्ट थ्री का 115। ये आप देखिए इसकी जो साउंड है ये ऐसी आ रही है। एक्वेस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा इसमें डिले ज़्यादा रखा गया है। जो स्टेज के ऊपर आप जब भी बजाओगे तो ये इसका इफेक्ट काफ़ी उम्दा आने वाला है। तो और कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है जी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे MFX1 रखा गया है, MFX पार्ट टू में भी MFX1 रखा है, पार्ट थ्री में MFX2 रख दिया गया है। इसका जो लेवल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो 120 पार्ट वन, 120 पार्ट टू और 90, तो इनका तीनों का ही जो रखा गया है कोर्स लेवल 90 रखा गया है। रिवर्स रिवर्ब जो रखा गया है पार्ट वन में वो 30 और पार्ट टू और थ्री का 80 रख दिया गया। तो आगे हम देखेंगे जी पार्ट वन और टू को मोनो रखा गया है और पॉटा ऑन करके इनका टाइम दोनों का 3 रख दिया गया है। पार्ट थ्री में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं जी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इनका जो की रेंज लेवल है, तो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स जो मेरे साथ बाय मैसेज चाहे वो YouTube हो या Facebook, वो पूछते रहते हैं जी आपने कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक रखे हुए। मैं इनको बताना चाहूँगा जी, मेजर थ्री से लेके G9 तक, G9 जो है इसका अपर रेंज है, बिल्कुल पूरे कीबोर्ड में ये टोन असेंबल की गई है कॉर्ड को छोड़ के। तो इसका जो पार्ट 1, 2, 3 है तीनों का ही सेम रखाया गया है G3 से लेके G9 तक। वी सेंस इसका जो रखा गया है -1 पार्ट दोनों का, पार्ट वन और टू का, थ्री का हमने 0 रखा है। तो आगे जी ऑक्टेव तीनों का ही -1 रखा गया है। कट ऑफ पार्ट वन का -1 है। तो अटैक इनका -2 पार्ट वन का, -1 पार्ट टू वन का है -2, पार्ट टू का है -1 और पार्ट थ्री का है +1। डीके दोनों का +20 रख दिया गया है। रिलीज पार्ट वन और टू का रखा है -15 और थ्री का रखा है -5। रेट
पार्ट 1 का प्लस 4, पार्ट 2 का प्लस 6, डेप्थ पार्ट 1 का प्लस 7 और पार्ट 2 का प्लस 13। डिले पार्ट 1 का प्लस 5 और पार्ट 2 का प्लस 15। पार्ट 3 का हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। फ्रेंड्स, ये हमारी परफॉर्म एडिट की सेटिंग अभी ये कंप्लीट है, तो आप अभी इफेक्ट एडिट में आ जाइए। इसमें जो मॉडिफिकेशंस हैं वो इस प्रकार हैं। एमएफएक्स मैंने 1/4 इनफिनाइट फेजर ये रखा गया है, इसको मैं डिटेल में जाके आपको बताता हूँ ये क्या है। मॉड इसका 4 है, ये स्पीड प्लस 40 है, सेंस इसका 50, मिक्स 127, पैन इसका 07 राइट कर दिया गया है, लॉग इन इसकी -6 कर दी गई है जी डीबी। आप थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हो, -5 जीरो कर सकते हो, लेकिन ये लोअर कोड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हैवी बजने लगेगा और मुझे शक है कि ये स्टेज के ऊपर थोड़ा सा इसकी साउंड जो है वो अटैकिंग भी कह सकते हो आप, थोड़ा सा फट जाएगी साउंड जो आप लोअर नोट पे बजाओगे, तो इसलिए मैंने इसको -6 रखा है। हाई गेन इसका +7 रख दिया गया है, तो लेवल इसका 110, आउटपुट 110, कोर्स स्टैंड इसका 70 है और रिवर्ब इसका 0 रखा गया है। आगे MFX 2 में एनालॉग डिले रखा गया है जी इसका, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जी इसमें क्या सेटिंग है। डिले टाइम है स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो फ्रेंड, तो आप इसको थोड़ा सा नोट करते भी जाइए, तो जब टोन आप असेंबल करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग करना। 400 ms मिली सेकेंड्स इसका जो डिले टाइम रखा गया। एक्सलोरेशन इसका 10 है, फीडबैक इसका 18 प्लस है, तो HF डैम्प इसका 630 है, लो गेन इसका +3 और हाई गेन इसका +7 है। बैलेंस इसका 50-50 रखा गया है और लेवल इसका 110 रखा गया है दोनों का, तो आगे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ये MFX 3 में आ जाइए जी, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। अभी इसमें इक्वलाइजर रखा गया है, लॉग इन इसका +8 है, आप जैसे नोट कर सकते हो जी। 200 इसका लॉग फ्रीक्वेंसी है, लॉग इन इसका +8 है, मिडी इसका 1000 है और आई थिंक और कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, इसका लेवल जो रखा गया है 100 आउटपुट लेवल और नॉर्मल लेवल जो है इसका 100 रख दिया गया है। तो अब आप लास्ट में आ जाइए, जो मेन पार्ट होता है फ्रेंड वो लास्ट में ही होता है। इसका MFX में जैसे कोर्स हुआ, डिले हुआ, इसको आपने रखना है या नहीं रखना है। मैंने कोर्स इसका ऑफ कर दिया गया है, आप देख सकते हो कोर्स इसका ऑफ है। रिवर्ब इसका रिवर्ब रखा है, रूम 1 रख दिया गया है। टाइम इसका 84 है, HF डैम्प 8000 है और डिले फीडबैक इसका 20, रिवर्ब 20 है। फिलहाल इसकी यही सेटिंग्स हैं फ्रेंड्स, तो आप जैसे देख रहे हो। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका कॉर्ड है वो क्या रखा गया है। कॉर्ड आप देख सकते हो फ्रेंड, जैसे पार्ट 16 में मैंने लो फैट बास रखा है, इसका जो सोलो साउंड है ये थोड़ा सा बास है, इसका बास का लेवल 50 रखा गया है। तो MFX 3 रख दिया है, इसका 90 इसका आउटपुट लेवल रखा है, बाकी 127। तो इसका जो कॉर्ड का रेंज रखा गया है लोअर रेंज, वो सी से लेके F3 तक रखा गया है। तो इसमें एक ट्विस्ट और है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो मैं बता रहा हूं आपको। पार्ट 15 का भी यही है, क्योंकि कॉर्ड की जो लेफ्ट हैंड कॉर्ड की सेटिंग है, मेरे ज्यादातर दोस्त ये पूछते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्ड की सेटिंग क्या होंगी सर, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि लेफ्ट हैंड कॉर्ड की सेटिंग जो होंगी वो सी से लेके F3 तक हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो आप इसको यहां तक रख सकते हो, फिर उसके बाद यहां से आपका राइट हैंड का जो पैच है आपने सेट किया वो बजना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप इसको यहां तक रखें या यहां तक रखें, बस ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी 15 पार्ट के ऊपर मैंने, आप फ्रेंड कोशिश कीजिए जो इनका आउटपुट लेवल है वो सेम रखें। इसका जो नॉर्मल लेवल है इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो साउंड, आपको कितनी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। अभी मैंने इसमें प्रीसेट का स्टैको डाला हुआ है, जो नीचे था 360 लो फैट था, अभी इसमें 415 में स्टैको रखा है। इसका जो साउंड है वो ऐसा आता है जी,
बड़ा स्ट्रिंग है, आप एक बार तीन फिंगर से इसको प्रेस करोगे तो इसका आएगा। इसको आप ऑक्टेव में, मैंने प्लस थ्री रखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसका बजाने में जब आप इसको बार बार कॉर्ड प्ले करोगे तो इस तरह का साउंड आएगा। 14 नंबर पार्ट में इसका जो मैंने लेवल रखा था 45 रखा था, 14 का 60 रखा हुआ है। इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेट किया है मैं बता देता हूँ। इसमें प्रीसेंट का 261 रखा है, प्लग एंड गिग 2। ये थोड़ा सा कोर्स टाइप साउंड है, मेल कोर्स जैसे कह सकते हो। ये देखो इसका थोड़ा सा रिलीज मैंने बढ़ा दिया है, आप चेक कर लो। ऑक्टेव इसका प्लस रखा है, वी सेंस इसका माइनस 8 रख दिया गया है। तो रिसेंस इसका प्लस सिक्स है, अटैक प्लस 2 कर दिया है, रिलीज इसका अटेंड कर दिया है। थोड़ा ज्यादा लगे तो आप पंप भी कर सकते हो, मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है जी। आप फ्रेंड्स जैसे सुन रहे हो ये कॉर्ड बज रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी इंस्ट्रूमेंट ये फ्रेंड्स इसका जो मेन मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट वो बना हुआ है, तो इसका वो टोन था। तो इसमें थोड़ा सा एक इफेक्ट डाला हुआ मैंने, मेरे को सैंपल मिल गया था एक बास का, जैसे वो बोलते हैं उसकी गिग होती है लाइक दैट, ये इफेक्ट होता है। तो आपको सैंपल ये अगर मिल है आपके पास बास का, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको यूज क्या किया है आपको बता देता हूँ। पार्ट 4 में मैंने इसको यूज किया था, इसका लेवल 100 रख दिया गया है। तो और MFX 3 में इसको रखा गया है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है थोड़ा सा MFX 3 कॉर्ड के हिसाब से ही है। तो 110 इसका रखा गया है, आउटपुट लेवल 127 बाकी इसकी सेटिंग है। तो इसको मोनो कर दिया गया है जी। हाँ अभी मैं बताता हूँ आपको इसको मैं क्या रखा है। इसका जो मैंने की का रेंज रखा है वो एक ही की के ऊपर रखा है, G3 से लेके G3 तक, ठीक है जी। इसको बजा के दिखाता हूँ ये कैसा बजेगा। फ्रेंड इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बना है, तो आई होप इस आपको पसंद आया होगा जी। तो इसको बजाइए और एंजॉय कीजिए। मेरे हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। आपको अच्छा लगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, अपने फेसबुक ग्रुप पे डालिए, आप यूट्यूब पे डालिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है फ्रेंड्स, ये साउंड मॉडिफाई किया गया है। तो इसका मैं कोई भी क्लेम नहीं लेना चाहूँगा जी, ये खराब बना है अच्छा बना है, जैसा आपको ठीक लगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी प्लेइंग बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप इसके साथ इसको इस हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। मैंने जो पैरामीटर्स बताए हैं वो बेसिक्स हैं। डिले आपको कम रखना है तो आप कम रख लीजिए, ठीक है जी। तो फेजर में आपको जैसे मैंने ये इफेक्ट एडिट में आप जाएंगे तो ये साउंड मैंने MFX में जो रखा है तो आप इसको चेंज करते जाइए। मेन फीचर जो MFX 1 में क्यों रखता हूँ जी, तो उसमें आप ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सेटिंग है। इसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने चेक करना है, उसका साउंड मॉडिफाई करना है, तो अब MFX 1 में रख के उसको यहां से चेक करते जाइए, ये इसका साउंड चेंज हो जाएगा, ये रिंग मॉड्यूलेटर हो गया, ठीक है जी। तो अभी मल्टी स्टेज फेजर, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, स्टेप फेजर, यहां से आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर उसकी सेटिंग्स आप चेंज करते जाओगे तो आपको जो एडिटिंग का फीचर है वो समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो माफी चाहूंगा अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, तो मेरी प्लेइंग अच्छी भी नहीं है, तो इजाजत चाहूंगा जी। थैंक यू सो मच।